अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं फलियाँ बना रही हूँ। ये सबसे पहले हमने ऑयल डाल लिया है एक बर्तन में, ऑयल या घी जो भी आप डालें। फिर ये प्याज है 3 अदद कटी हुई मेरे पास, ये ऐड कर देंगे और इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा ब्राउन हो जाएंगे तब तक हम इनको ब्राउन कर लेंगे, पका लेंगे। ये प्याज अब फ्राई हो रहा है, ब्राउन होना स्टार्ट हो गया हल्का सा। अब हम इनमें ये हमारे जो दाने और काटी हुई फलियाँ हैं ये डाल देंगे और इनको हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, भून लेंगे। ऐसे इसमें हम इसको भूनते जाएंगे नॉर्मल आग से, ज़्यादा तेज आग नहीं करेंगे हम इसकी। ये देखिए ये दाने फ्राई हो चुके हैं, कलर इनका चेंज हो गया है। अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, नमक हसबे जायका, लाल मिर्च पाउडर भी 1 टेबल स्पून डालूंगी मैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, और थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून के करीब। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा ये जो गार्लिक पेस्ट, ये हम आमदस्ते में कूट लिया है मैंने, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे। देखिए बस इतना सा ही भूनना है। और अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए अभी आलू ऐड कर दिए हैं, और अब मैं इन आलूओं के साथ इसको भून लूँगी थोड़ा सा। और अगर नीचे लगेगा तो इसमें पानी का छींटा थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अभी इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। ये देखिए ये मैंने आलूओं के साथ भून लिया इसको थोड़ा सा। अब मैं इसमें, कुछ लोग इसको ड्राई खाते हैं तो वो हल्की आंच पे दम लगा कर रख दें, अगर किसी को ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। ये क्योंकि आलू भी गलने हैं तो इस वजह से थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए मुझे, तो मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। और जब ये पकने लगे पानी इसका, तो आप इसको दम वाली आँच पर ढक के पकने दें 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आँच पर। जी ये देखिए अब ये पकना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको ढककर तब तक पकाऊंगी 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक ये गल ना जाए, और बाद में इसको थोड़ा सा और भून लेंगे तो ये हमारा सालन रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, अब हम इसको चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है इस, ये देखिए पानी इसका ड्राई हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा बचा है इसमें, और ये आलू इसका गल चुका है। हाँ जी ये बिल्कुल रेडी है। अब अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी आग तेज़ करके तो इसको भून लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए ऑयल तो इसका सेपरेट हो चुका है पहले ही, ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है यहाँ, बस थोड़ा सा हम इनको भून लेंगे और ये हमारा सालन देखिए ये रेडी है। ये देखें, वैसे तो इसमें कोई गरम मसाला वगैरह नहीं जाता, आपकी पसंद है अगर आपको तो फिर डाल लीजिए। ये मैं 1 चुटकी के करीब ज़ीरा ऐड करूँगी, ज़ीरा मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इसलिए मैं इसमें ऐड करती हूँ थोड़ा सा, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए हमारी सब्ज़ी रेडी है।